किलोवाट का जनरेटर है, 1.5 KVA कहते हैं। 5 पंखे, 10 सेवर, 1 TV चलाना होता है। बटन से स्टार्ट हो जाएगा। यूरो 5 सीरीज का इंजन होता है, नेचुरल गैस होता है। 2.5 किलोवाट, 3 KVA का जनरेटर है। आपको कितने मिनट कितने सेकंड चल गया ये भी बताएगा आपको। इसके साथ पैकेज के साथ इंक्लूड होती है एक बैटरी, गैसकेट, ऑयल। ये 1.5 टन का एसी भी चलाएगा आपका। अल्लाह ना करे पूरे पैनल पे या लाइन में होता तो ये सर्किट ब्रेकर है, मेन ब्रेकर गिर जाएगा। ये 1.5 लीटर में 1 घंटा चलेगा। कराची में तो हम वैसे ही फ्री डिलीवरी देते हैं। अगर कराची से बाहर है तो उसको पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी मिलेगी जनरेटर। इसमें नॉन इन्वर्टर के साथ एक फ्रिज चलेगा। नॉन इन्वर्टर के साथ आप एक फ्रिज चलाए, साथ में 10 पंखे चलाए, 10 सेवर चलाए, 1 TV चलाए। ये 9 किलोवाट का जनरेटर है। 9 किलोवाट का ये नोट्स पे चलाए। 1.5 टन का नॉन इन्वर्टर, ठीक है, 1 टन का नॉन इन्वर्टर, और उसके साथ एक फ्रिज चला ले, 5 पंखे, 10 सेवर, 1 TV चलाए। ये नॉन इन्वर्टर 1 टन और 1.5 टन साधा दोनों चला देगा। ये रिमोट से भी स्टार्ट होता है। अरे वाह, इसमें रिमोट भी मिलेगा। रिमोट के जरिए रिमोट का बटन ऑन करें, 2 सेकंड में वो जनरेटर आपका स्टार्ट हो जाएगा। साउंडलेस के जनरेटर होते हैं। जैसे घर पे कोई पेशेंट है या प्लेट पे है या कोई ऑफिस की जगह है, बराबर बराबर डिस्टर्ब ना हो, ये उनके लिए होता है। ये सबसे छोटा मॉडल है, एजी 10,000 होता है, 6 किलोवाट का होता है, इसको केवीए में 8 कहते हैं। इसको 1.5 टन का एसी के साथ फ्रिज चलाना है या 10 पंखे, 10 सेवर, 1 TV चलाना है। 1 साल, 1 ईयर कंप्लीट इंजन स्पेयर पार्ट और 2 ईयर सर्विस, 100% कूपन की गारंटी। अब डायवो में 2 मॉडल आते हैं फिलहाल पर। 3 किलोवाट का जो 2 फ्रिज के साथ 5 पंखे, 10 सेवर चलाता है, 2700 से 3000 वाट का। ये 1 टन का एसी भी चला सकता है, 2 फ्रिज भी साथ में चलाएगा। 5 किलोवाट का जनरेटर है जिसको केवीए में 6.5 कहते हैं। ये 1.5 टन का सादा स्पीड भी चलाने की ताकत रखता है। अच्छा, और उसके साथ भी आप 10 पंखे चलाएं, 10 सेवर चलाएं, 1 TV चलाएं, 1 कंप्यूटर चलाएं। बेहतरीन। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज हसन बिलाल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली डिस्कवर पीके। एक नई और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ आप खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कराची और पाकिस्तान भर में गर्मी बहुत जोरों शोर से चल रही है, तो उस हवाले से हम आज मौजूद हैं कराची के अंदर जनरेटर्स की होलसेल मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर हमारे साथ रिजवान भाई मौजूद है। रिजवान भाई से हम मालूम करते हैं कि कौन से ब्रांड्स इनके पास मिल जाएंगे, प्राइसेस कैसे मिलने वाली हैं, और यहाँ का एड्रेस मालूम करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह का शुक्र है फिलहाल। रिजवान भाई, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को बता दें कि अपनी शॉप का नाम और यहाँ का एड्रेस। सर, शॉप का नाम है जावेद एंड सन्स, एरिया हमारा लगता है शारे लियाकत, हबीब बैंक प्लाजा के बैक साइड, और हमारे इस साइड पर आ जाए लेफ्ट साइड पे तो बोल्टन मार्केट बहुत मशहूर है। शारे लियाकत वाला रोड है, सिंध मदरसातुल इस्लाम कॉलेज है, बड़ा मशहूर कॉलेज है, बिल्कुल इसी के हम अपोजिट है जावेद एंड सन्स के नाम से। ठीक है। अच्छा, ये गाइड करें कौन कौन से ब्रांड्स में आप डील करते हैं। सर, मेरे पास एंजिल के नाम के जनरेटर होते हैं, मेरे पास ये हाई हुंडई के नाम के जनरेटर होते हैं, और मेरे पास ये डाइवो के नाम के जनरेटर होते हैं। सही, ठीक है। लास्ट भी हम पहले यहाँ की वीडियोस बना चुके हैं, पहले 2 ब्रांड्स होते थे, अब डाइवो भी ऐड हो चुका है। जी जी जी, ऐसा ही है। इसके अलावा सोलर पैनल के हवाले से भी आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है, वो भी आपके पास अवेलेबल होते हैं यहाँ। जी जी, कांटेक्ट करें, हमारे पास लॉन्जी हो गया, जिनको हो गया, ये दोनों ब्रांड हमारे पास मौजूद होते हैं। सिंगल गिलास, डबल गिलास दोनों मौजूद होते हैं। और कैंटीनर के हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं होलसेल में। पैलेट्स वगैरह भी आपके पास? पैलेट्स भी होते हैं, कैंटीनर्स भी होते हैं हमारे पास, और इन्वर्टर भी हमारे पास मौजूद होते हैं। अरे वाह, बेहतरीन। मतलब ओवरऑल सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तकरीबन होता है, सोलर में जाते हैं तो इन्वर्टर और सोलर प्लेट होती है बस। सही, ठीक हो गया। अच्छा, ऑनलाइन परचेजिंग कैसे करें आप? सर, ऑनलाइन का तरीका ये होता है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है, उस पर आप कर सकते हैं। 03-100-922-4290, फिर एक और यही सेम नंबर है 03-21-922-4290, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं उनसे। ऑल पाकिस्तान आपको जनरेटर आपकी फ्री डिलीवरी में मिल जाएगा। सही, ठीक है। चलें फिर बेहतरीन सी वीडियो आपको बना के दिखाते हैं। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दुकान भाई, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, क्या दिखाने वाले हैं पहले? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर, तब मैं पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये एंजल कंपनी का है। सही। जो 1 किलोवाट का जनरेटर है जिसको 1.5 KVA कहते हैं। सही। बिलाल भाई, ये होता है जिसको 5 पंखे, 10 सेवर, 1 TV चलाना होता है। सही, ठीक। ये है। 1 TV उसके लिए होता है, पुश स्टार्ट होता है। सही। बटन से स्टार्ट हो जाएगा। यूरो 5 सीरीज का इंजन होता है, नेचुरल गैस होता है। ब्रेकर सिस्टम इसमें लगा हुआ, अल्लाह ना करे कभी शॉर्ट सर्किट होता है, ब्रेकर ट्रिप मार जाएगा।
कंपनी का नाम इंजन के ऊपर पंच होता है। सही। आप कहीं से भी लें एंजल का जनरेटर तो इसके इंजन के ऊपर देखिए कंपनी का नाम लिखा हुआ होगा। ठीक हो गया। ये ओरिजिनल की पहचान है। सही। रोप स्टार्ट होता है, ये डोरी भी ऑप्शन होती है और सेल्फ का भी ऑप्शन होता है इसमें। बेहतरीन। गैसकेट भी साथ में है। नेचुरल गैस होता है, गैसकेट इंक्लूड होती है इसमें। बिलाल भाई ये 70,000 रुपए का पड़ेगा। ये 70,000 का है। ये 70,000 में गैसकेट साथ होगी, बैटरी साथ होगी, ऑयल साथ होगा, रेडी करके स्टार्ट करके करंट चेक करवा के फिर एंड ओवर दिया जाता है। बेहतरीन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जान भाई, नेक्स्ट कौन सा है? फिर उसके बाद ये आ जाता है 2.5 किलोवाट 3 KVA का जनरेटर एंजल का। ये भी पुश स्टार्ट होगा, VAT मीटर मौजूद है इसमें। ये वॉट भी बता रहा है, फ्रीक्वेंसी भी बताएगा और कितने मिनट कितने सेकंड चल गया ये भी बताएगा आपको। कंप्लीट इन्फो आपको यहाँ मिल जाएगी डिस्प्ले। इसमें ये बात होता है ना, कस्टमर को ऑयल चेंज करने में पहले 2-3 फैमिलियां ना तारीखें लिखते थी कि आज इतने दिन चला, तो इसमें तारीख लिखने की जरूरत नहीं है। टाइम है, घड़ी लगी हुई है, ये आपको बताएगा कितने घंटे ये चल चुका है जनरेटर। प्रॉपर मैनेजमेंट आपको ये मिलेगी। बड़ी बैटरी साथ होती है, अमूमन लोग देते हैं छोटी बैटरी लगाकर जो जनरेटर के यहाँ लगी हुई होती है। सही। वो इतनी ताकतवर नहीं होती है, वो कुछ ही टाइम पर वो डेथ हो जाती है उस बैटरी की। हम ये बड़ी बैटरी लगा के देते हैं 5 प्लेटों वाली, इसके साथ पैकेज के साथ इंक्लूड होती है एक बैटरी गैसकेट ऑयल और 4 वेट ट्रॉली, ये इंक्लूड होती है और ये 1,20,000 रुपए का आपको पड़ता है। अरे वाह, 120 का आपको 120 में तमाम चीजों के साथ, जिसमें फ्रिज पानी की मोटर या फ्रिज या पानी की मोटर सही। उसके साथ भी आप 5 पंखे 10 सेवर 1 TV चलाने की ताकत रखते हैं। अच्छा खासा बैकअप इसके भी मिल रहा है। एक फैमिली के लिए बहुत होता है। एक नॉर्मल फैमिली के लिए अगर किसी को एसी नहीं चलाना, अब जैसे एक फैमिली आती कि यार मेरा 1 टन का एसी चल जाए और 2-3 पंखे चल जाए, जब एसी बंद कर दे तो हम फ्रिज चला लें, तो फिर उसके लिए ये जनरेटर है। इससे एक नंबर बड़ा होता है, इसको 3 किलोवाट 3.5 KVA कहते हैं। ठीक है। ये इसमें आप 1 टन का इन्वर्टर चला लें, इसमें भी VAP मीटर मौजूद है, बड़ी बैटरी साथ है, ऑयल साथ होता है, कंपनी का नाम इंजनों पे लिखा हुआ होता है और टंकियों के ऊपर भी इसके तमाम चीजें मेंशन होती है, वॉट इसकी मेंशन होते हैं कि 3,000 से 3,200 वाट होता है और ये 1,30,000 रुपए का पड़ता है। इतना लंबा चौड़ा पर नहीं होता, 10,000 रुपए का फर्क होता है। 10,000 रुपए का डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। सही। अब उसके बाद फिर हम एक और मॉडल आता है इसका, जो बड़ा स्पेशल यूनिट कहलाता है हमारा। ये AG 5600 मॉडल नंबर है। सही। AG 5600 ये वॉट्स में बनता है 4,000 से 4,500 वॉट्स का। अरे वाह, सही। ये दिखने में छोटा लग रहा है, साइज में थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज में छोटा होता है और ये, लेकिन इसकी ताकत 1.5 टन के एसी चलाने जितनी। अच्छा। ये 1.5 टन का एसी भी चलाएगा आपका। सही। अगर एसी 1.5 टन का नहीं चलाते तो पूरा घर चला दे, फ्रिज चलाओ, डीप फ्रीजर चलाओ, 10-15 पंखे चलाओ, 15-20 सेवर चलाओ, 2-3 TV चलाओ, मतलब बेहतरीन अच्छा खासा लोड इस पे अच्छा आप खासा लोड चला देगा। और डिस्प्ले इस पे भी आपको मिल रहा है। ये डिस्प्ले इस पे भी है और इसमें खुसूसन इसके अंदर एक चीज एडिशन दी है लोने कि इस तमाम जनरेटर में एक सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, है? इसके हर सॉकेट के ऊपर ये डीसी ब्रेकर, एसी ब्रेकर लगा हुआ, इसके अलग लगा हुआ इसके ऊपर सॉकेट के ऊपर। सही। अगर अल्लाह ना करे सॉकेट में शॉर्ट सर्किट होता है, ये डीसी ब्रेकर बाहर आ जाएगा। सही। अगर इसमें होता है ये डीसी के एसी ब्रेकर बाहर आ जाएगा और इसमें होता है तो इसका ब्रेकर बाहर, अल्लाह ना करे पूरे पैनल पे या लाइन में होता तो ये सर्किट ब्रेकर है, मेन ब्रेकर गिर गया। अरे वाह, बेहतरीन ऑप्शन इसके अंदर ऐड किया। इसमें 3 ब्रेकर होते हैं। सही। तमाम जनरेटर में 1 ब्रेकर लगा हुआ होता है। सही, ठीक। इसमें 3 ब्रेकर होते हैं। ठीक है। साउंड कम करने के लिए, आवाज कम करने के लिए मफलर वाला साइलेंसर है, बहुत कम आवाज होती है। अच्छा। वरना 5 किलोवाट का जनरेटर लेना तो उसका शोर बहुत होता है। सही कह रहे हैं, बहुत शोर करता है वो। और फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होती है। सही। ये 1.5 लीटर पे 1 घंटा चलेगा। 1.5 लीटर पे 1 घंटा चल जाएगा। 1.5 लीटर पे 1 घंटा चलेगा। अमूमन इतना बड़ा जनरेटर 2 लीटर लेता है। सही कह रहे हैं, क्योंकि यूरो इंजन है, ताकत ज्यादा है, फ्यूल कंजम्पशन कम है। 1.5 लीटर पे 1 घंटा चलेगा आपका। बड़ी बैटरी इसके साथ भी मिलती है, गैसकेट भी होती है, तो कम्प्लीट इंजन
इसकी 1 ईयर कंप्लीट इंजन पार्ट गारंटी होती है। अरे वाह, इंजन की तमाम जनरेटर की, इसकी 1 किलोवाट की सिर्फ साल में 2 सर्विस होती है, बाकी तमाम जनरेटर की इसके कोई सा भी मॉडल ले लें 1 ईयर कंप्लीट इंजन स्पेयर पार्ट और 2 ईयर सर्विस वारंटी होती है। दीवान भाई प्राइस तो बताएं इसकी। सर ये 180 का है बिलाल भाई, 180 का है। ये 180 में आपको तमाम चीजें साथ होती हैं। कराची में तो हम वैसे ही फ्री डिलीवरी देते हैं, अगर कराची से बाहर है तो उसको पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में फ्री डिलीवरी मिलेगी जनरेटर में। ठीक है रिजवान भाई, ये तो बताएं प्राइसेस जो हम बता रहे हैं बिल्कुल फाइनल प्राइसेस है या कोई कंसेशन का चार्ज है? अगर कोई आपके वीडियो के थ्रू आता है सही तो उसको हम खुसूसन डिस्काउंट देंगे। अरे वाह, उसको मिलेगा। जो वीडियो के थ्रू आएगा वो चैनल का नाम बताएगा, हम चैनल के नाम से तकरीबन हमें सभी के नाम पता होते हैं। अगर वो चैनल के नाम से देख कर आएगा या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर आ जाए तो खुसूसन डिस्काउंट उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, खुसूसन डिस्काउंट मिलेगा। चलें बेहतरीन हो गया, नेक्स्ट चलते हैं भाई। सर आप बिलाल भाई, अब 4 किलोवाट का देखा आपने, फिर इसके बाद एक मॉडल आता है इसका 5 किलोवाट जिसको 6.5 KVA कहते हैं। ठीक है, ये 1.5 टन का सादा स्प्लिट के साथ 10 पंखे 10 सेवर एक टीवी चलाता है। अच्छा, इसमें ओवर मीटर होता है, विद इंडस्ट्रियल सॉकेट होते हैं, इसमें 3 सॉकेट होते हैं, दो रेजिडेंशियल होते हैं, एक इंडस्ट्रियल होता है। ठीक है, और वारंटी वगैरह सेम इसकी सर सेम होती है, 1 ईयर कंप्लीट इंजन पार्ट्स की होती है, 2 ईयर सर्विस वारंटी होती है। सही, ठीक है, प्राइस बताएं इसकी। सर ये 225 का है, ये 2,25,000 रुपए का कम्प्लीट सामान के साथ। ठीक है, आप इसके बाद फिर हम आते हैं, जैसे हमने उसमें फरमाया कि उसमें 1.5 टन का स्प्लिट इन्वर्टर वाला चल रहा है, ठीक है, इसमें नॉन इन्वर्टर के साथ एक फ्रिज चलेगा। अरे वाह बेहतरीन, नॉन इन्वर्टर भी इसमें चल जाना। हाँ, नॉन इन्वर्टर के साथ आप एक फ्रिज चलाए, साथ में 10 पंखे चलाए, 10 सेवर चलाए, एक टीवी चलाए। सही, इसके साथ ये कितना केवीए का है? सर ये 6.5 किलोवाट का जनरेटर है, केवीए में 8 बनता है, 8 केवीए, 8 केवीए कहते हैं, 6,500 वाट का जनरेटर है ये। ठीक हो गया, प्राइस क्या देने वाले हैं इसकी? फिलहाल भाई ये पड़ता है 255 का, 2,55,000 रुपए। सही, 255 की प्राइस, 255 में कंप्लीट सामान के साथ। ठीक है, अब इसके बाद आप ये मॉडल देखेंगे जो अमूमन हर कंपनी में नहीं बनता, एंजिल वाले है जो पूरी सीरीज बनाते हैं इसके अंदर। ये 7 किलोवाट का जनरेटर है, तो 7 किलोवाट का जिसको केवीए में 10 KVA कहते हैं। सही, इसमें भी बेट इंडस्ट्रियल सॉकेट है, वेव मेटल लगा हुआ है, चाबी से स्टार्ट हो जाता है, 1 साल कंप्लीट इंजन पार्ट की गारंटी मिलती है। सही, तकरीबन सेम डिजाइन है इस वाले जैसा। बस इंजनों का फर्क होता है, इंजन के मॉडल नंबरों का फर्क होता है, ये तमाम चीजें इंजन के ऊपर पंच होती है, हर नंबर हर मॉडल का हर इंजन। अब 6 को कोई 7 नहीं कर सकता, 7 को कोई 8 नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें इंजन नंबर लिखे हुए होते हैं। सही, अब ये लोड की बात करते हैं बिलाल भाई, तो ये लोड पर आ जाता है 1.5 टन का एसी, एक फ्रिज, तो साथ में एक डीप फ्रीजर भी चलाएगा ये। अरे वाह, और उसके साथ आप 5 पंखे चलाएं, 10 सेवर चलाएं, एक टीवी चलाएं। प्राइस तो कोट करें इसकी, तो बिलाल भाई ये पड़ता है 3,05,000 रुपए का, 3,05,000 रुपए का। जी रिजवान भाई, आप बिलाल भाई ये 7.5 किलोवाट के बाद फिर इसका एक और मॉडल आता है जिसका मॉडल नंबर होता है AG 11000। सही, यह 8 किलोवाट से 8.5 किलोवाट होता है, इसका इंजन नंबर होता है 440 cc का। ठीक है, 440 का, अब ये 440 का, अब इस जनरेटर पे आप 1.5 टन के 2 इन्वर्टर चला सकते हैं। अरे वाह सही, 1.5 टन के 2 इन्वर्टर चल जाएंगे, 2 इन्वर्टर चला सकते हैं आप, या तो 1.5 टन का चलाएं, एक या 1 टन का चलाएं, फिर बाकी के पंखे लाइटें चला लें आप। सही, आप दो, ये 2 AC चलाने की ताकत रखता है ये भी। ठीक हो गया, ये वाला प्राइस क्या मिलने वाली सर? ये मिलेगा आपको 3,25,000 रुपए का। ठीक हो गया, 325 का ही है। ठीक, फिर इसके बाद एक और इसका मॉडल आते हैं, और भी मॉडल आते हैं, आए बिलाल भाई मैं आपको दिखाऊं। माशाल्लाह रेंज आप चेक कर सकते हैं, भरपूर रेंज पड़ी हुई है सर, बहुत बड़ी रेंज है हमारी, हमारे पास तो इससे भी बड़े कमर्शियल पर्पस के लिए चाहिए हो तो वो भी आपको, वो भी है हमारे पास डीजल में। ठीक है, अब जैसे हमने वहाँ 8 किलोवाट AG 11000 देखा, फिर एक आता है इसके बाद एक और मॉडल आता है जो AG 12000 मॉडल नंबर होता है, 12000
ये 9 किलोवाट का जनरेटर है, 9 किलोवाट का, ये 9 किलोवाट का। अच्छा, डिजाइन वाइज सेम चल रहे हैं? हाँ, ये सबके, मैंने आपको क्या बोला, शक्लें सबकी एक जैसी, सबके डिजाइन वाइज सेम, सबके इंजन नंबर देखें। ठीक है, इंजन नंबर देखें, सबके इंजनों में फर्क है, इंजन नंबरों में फर्क है, ताकतों में फर्क है। सही, ठीक हो गया। इसका जरा बताएं कितना लोड हम इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? से बिलाल भाई, आप इस पे चलाए एक 1.5 टन का नॉन इन्वर्टर, ठीक है, एक 1 टन का नॉन इन्वर्टर, और उसके साथ एक फ्रिज चला ले, 5 पंखे, 10 सेवर, 1 TV चलाए। ये नॉन इन्वर्टर 1 टन और 1.5 टन सादा दोनों चला देगा। अरे वाह। उसके साथ आप एक फ्रिज भी चलाए, 5 पंखे भी चलाए, 10 सेवर भी चलाए, क्योंकि इसमें इंजन है 460 cc का, 460 cc का। अरे वाह, सही जी बिलाल। पैसे क्या है इसके? बिलाल भाई, इसके प्राइस होते हैं 350 का, 3,50,000 रुपए का ये जनरेटर। सही, 3.5 का आपको ये। हाँ, 3.5 लाख रुपए का ये। इसके बाद फिर एक बहुत स्पेशल हमारा मॉडल है, ये बड़ा यूनिक जनरेटर है, जंबो साइज में। हाँ, जंबो साइज में भी आ जाता है और बड़ा यूनिक भी है, क्योंकि AG 14000 इसका मॉडल नंबर होता है। ये 10 किलोवाट का होता है सिंगल सिलेंडर पे। सही, सिंगल सिलेंडर पे है ये। ठीक है बिलाल भाई, ये यूनिक, आपने नहीं पूछा ये यूनिक क्यों है, कि आपने जितने भी जनरेटर देखे कि सब में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सही, एक की स्टार्ट होगा और एक रोप स्टार्ट होगा। इसमें हमें पुश स्टार्ट भी नजर आ रहा है, इसमें पुश स्टार्ट के साथ एक और है। अच्छा, यूनिक चीज आपने देख रहा है, इसमें डोरी स्टार्ट का भी और रोप का भी है। दिख गई हमें। एक चीज आपने पुश करा इसमें, उससे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और ऑप्शन है इसमें, वो है रिमोट। अरे वाह, जनरेटर रिमोट से स्टार्ट, ये रिमोट से भी स्टार्ट होता है। अरे वाह, इसमें रिमोट भी मिलेगा। जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, जनरेटर के पास जा नहीं सकते, तो वो रिमोट के जरिए रिमोट का बटन ऑन करें, 2 सेकंड में वो जनरेटर आपका स्टार्ट हो जाएगा। अरे वाह, ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। यूनिक चीज इसमें ऐड हो चुकी है, बड़ी यूनिक मॉडल है हमारा। ठीक हो गया, डिस्प्ले वगैरह भी इसमें है। ये अंदर ये ऑप्शन दिया। अच्छा, ये रिमोट वाला सिर्फ इस मॉडल में है जो हम बता रहे हैं। ये जनरेटर बड़ा यूनिक चलाता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, जो इससे बड़े हैं उसमें भी ये ऑप्शन नहीं है? नहीं नहीं, उसमें भी नहीं है। अब जैसे इसके बराबर में एक लगा हुआ है AG 15000। सही, इसकी प्राइस तो कोट करें रिजवान भाई। सर, ये 5,05,000 रुपए का। सही, ठीक है, 5,05,000 का। हाँ, 5,05,000 रुपए का जनरेटर है। सही, और फिर उसके बाद ये सिंगल सिलेंडर बिलाल भाई आपको देखा। सही, ये वी ट्विन इंजन है, ये डबल सिलेंडर है। डबल सिलेंडर है, इसमें पिस्टन 2 है, इसमें पिस्टन 1 है। ओए, क्या डिजाइन, आप चेक करें, बड़ा प्यारा सा डिजाइन भी बनाया। इसमें भी पुश स्टार्ट होता है, ये भी पुश स्टार्ट हो जाता है। 2 बिग इंडस्ट्रियल सॉकेट होते हैं इसके अंदर, और एक रेजिडेंशियल सॉकेट भी है। इसमें भी BFT मीटर लगा हुआ है, ये वॉट भी बता रहा है, फ्रीक्वेंसी भी बताएगा और टाइम भी बताएगा आपको। ये भी समान चीजें इसमें बताएगा। और ये वो लोग लेते हैं जिसको 1.5 टन के 2 सादे AC चलाने हो। अच्छा, 2 सादे AC के साथ आप पंखे के घर का बाकी का लोड चलाए। ठीक हो, ये वो लोग लेते हैं। बिलाल भाई, इसकी प्राइस पड़ती है 6,30,000 रुपए का। 6,30,000 रुपए, ये 6,30,000 रुपए का जनरेटर। ठीक है। अच्छा रिजवान भाई, जनरेटर्स तो हमने दिखाए, काफी छोटे साइजेस वाले भी हैं, ये कुछ बड़े साइजेस के पड़े हुए हैं, इनका गाइड करें क्या मकसद है? और बिलाल भाई, ये जनरेटर, ये भी एक जनरेटर ही है। ये उन लोगों के लिए होते हैं जिनको साउंड पसंद नहीं होता। अच्छा, साउंडलेस है, साउंडलेस के जनरेटर होते हैं। जैसे घर पे कोई पेशेंट है, या प्लेट में है, या कोई ऑफिस की जगह है, बराबर बराबर डिस्टर्ब ना हो, ये उनके लिए होता है। इसका ना होने के बराबर साउंड होता है। सही, साउंडलेस ही कह सकते हैं। साउंडलेस होता है, ना होने के बराबर साउंड होता है। और इसका ये सबसे छोटा मॉडल है। अच्छा, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा मॉडल है। AG 10000 होता है, 6 किलोवाट का होता है, इसको KVA में 8 कहते हैं। ये वो लोग लेते हैं जिसको 1.5 टन का AC के साथ फ्रिज चलाना है, या 10 पंखे 10 सेवर 1 TV चलाना है, ये वो होता है। इसमें वेंटिलेशन के आप देखेंगे ना, ये बहुत मेन चीज है बिलाल भाई। सही, सबके जनरेटर के बैक साइड पर आप देखेंगे तो एक वेंटिलेशन फैन होता है। अगर आप यहाँ से अगर दिखाएंगे तो एक ये फैन लगा हुआ होता है, जो तमाम जनरेटरों में कैनोपियों में लगकर आता है। इसमें एक एडिशनल मिल रहा है, एक एडिशनल दिया हुआ है इन्होंने हीट के लिए। ये वेंटिलेशन फैन इसके 2 दिए हुए, एक नीचे से भी वेंटिलेशन सही पास होगी, पास हो रही है, और एक बैक साइड से भी इसकी हीट पास हो रही है। बेहतरीन हो गया। और सामने जो है ना ऑप्शंस आपको वही वाले, ये वो सेम ऑप्शन होते हैं, की स्टार्ट होता है, बिग इंडस्ट्रियल सॉकेट है, VFT मीटर लगा हुआ है, ब्रेकर सिस्टम होता है, सेम होता है।
और इस जनरेटर की और सेम वारंटी गारंटी भी होती है। अच्छा, सेम इसकी भी मिल जाएगी वारंटी वगैरह। हम किसी में जाएंगे तो वो ओपन जनरेटर की वारंटी ज्यादा देगा, कैनोपी की कम देगा, इंजन सेम देगा। सही। एक साल वन ईयर कंप्लीट इंजन स्पेयर पार्ट और टू ईयर सर्विस 100% को ऊपर की गारंटी। बेहतरीन हो गया। प्राइस क्या मिलने वाली सर? ये पड़ता है 330 का। 330 का पड़ जाएगा, 3,30,000 रुपए का ये पड़ता है। ठीक है रिजवान भाई, इसमें और मॉडल्स हैं तो वो बताएं जरा। हाँ हाँ बिलाल भाई, इसमें एक और, इसमें 3-4 मॉडल्स हैं मेरे पास। 3-4 होते हैं फिलहाल अवेलेबल? 4 होते हैं मेरे पास इसके। अब जैसे 6 किलोवाट देखा अभी आपने, इसके बीच में एक और है जो हमारे अभी डिस्प्ले में मौजूद नहीं है, वो 8 किलोवाट का है। ठीक है। 8 से 8,500 वॉट का जनरेटर है। ठीक है। वो एक डेट अंडे स्प्लिट के साथ 2 फ्रिज चलाने का जिसका होता है, वो साथ में 10 पंखे 10 सेवर चलाने के लिए, तो ये उन लोगों के लिए होता है। ठीक है। अगर वो भी मिल जाता है उसकी भी सेम वारंटी होती है, बस प्राइस में थोड़ा फर्क होता है। वो पड़ता है आपको 3,80,000 रुपए। ठीक है। 380 का हुआ? हाँ 380 की वो होती है। फिर उसके बाद एक और मॉडल आता है इसका। सही। जो AG 14,000 मॉडल नंबर है उसका, 8 वाले का AG 12,000 है। ठीक है। ये 9 किलोवाट का जनरेटर है। यही चीज बिलाल भाई, जैसे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया कि जनरेटर के ओपन में भी इंजन नंबरों का फर्क है। सही। इस वाले में है 420 का इंजन, फिर जो 8 किलोवाट है उसमें 440 का इंजन है, इसमें 9 किलोवाट में जो है 460 का इंजन है। सही। और ये सब चीजें इंजनों के ऊपर लिखी भी होती है। ठीक हो गया। इसमें तो सब में पहले आप जो भी जाए, हम उमन मार्केट वाले 6 वाले को 10 KVA कर रहे हैं, करके बेचते हैं। आप है। सबसे 10 KVA की पहचानी है कि इंजन नंबर देखे, अगर 420 cc का अगर इंजन है तो वो 6 किलोवाट का ही है। अच्छा। तो वो मुंह से 8 बोले 10 बोले वो अंदर से 6 है। अच्छा, इंजन पे अगर 400 ये कस्टमर के को मैं एक टिप दे रहा हूँ, ये हमेशा याद रखना कस्टमर बता। अब जैसे आप देखेंगे ना ऑनलाइन फेसबुक खोलेंगे तो अलग अलग नाम के जनरेटर आते हैं, उस पर आपने देखा होगा लिखा हुआ होगा 10 KVA। ठीक है। 10 KVA लिखा हुआ होता है। अब वॉट पूछे उससे तो वो बोलेगा 7,500 वॉट। अब 7,500 वॉट की कैनोपी बनती नहीं है, तो उसका इंजन नंबर चेक करो, मतलब मिसगाइड कर रहे होते हैं। हाँ, मिसगाइड कर रहे होते हैं। इंजन नंबर देखो, अगर उसमें 420 का इंजन है तो आप समझ जाओगे वो मुंह जबानी उसकी बातें है, जनरेटर अंदर से 6 किलोवाट 8 KVA का। ठीक हो गया। रिजान भाई इसके बारे में बताएं जरा, क्या प्राइस इसकी मिल जाएगी? तो बिलाल भाई ये आपको पड़ेगा 450 का, 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए का ये मिल 4.5 लाख रुपए का। जी रिजवान भाई, एंजल ब्रांड तो दिखा दिए अच्छे खासे जनरेटर, उसके अलावा और कौन से ब्रांड है? एंजल में तो और भी हमारे पास सीरीज होती है, जैसे किसी को इंडस्ट्रियल जनरेटर चाहिए। सही। तो एंजल में हमारे पास वो भी अवेलेबल है, इसके लिए भी आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है। आप जैसे आपने एंजल देखा तो, और इसके बाद हमारे पास बड़ा फेमस ब्रांड है ये डाइवो। डाइवो भी ऐड हो चुका है आपके पास? आपके मेरे पास डाइवो में भी मिल जाएगा। अब डाइवो में 2 मॉडल आते हैं बिलाल भाई। ठीक है। एक 3 किलोवाट का जो 2 फ्रिज के साथ 5 पंखे 10 सेवर चलाता है, ये वो एक 3 किलोवाट का आता है, और एक 7.5 किलोवाट 10 KVA का जनरेटर आता है जो 10 KVA बनता है। ठीक है। ये 2 मॉडल बनाता है ये, और 2 मॉडल में आपको देखें इसने एक बहुत स्पेशल चीज बनाई है, पुश स्टार्ट है ये। अच्छा, पुश स्टार्ट में भी इन्होंने दिया। इससे ये फायदा होता है कि हम अमूमन बहुत से जनरेटर में चौक देना पड़ती है। सही। आप इधर देखेंगे नीचे जनरेटर, इधर आपने फोकस करें या कोई चौक नहीं है। चौक नहीं है, चौक की भी एक टेंशन होती है कहाँ उसको सेट करें, चौक इधर करना उधर करना, इसमें चौक नहीं है। सही। क्योंकि इसमें ऑटो गवर्नर है। अरे वाह, ऑटो चौक है। ठीक है। ये आपने पुश करा, सब छोड़ दे, बाकी का सब चीजें ये खुद मेंटेन करेगा। आपको सिर्फ बटन प्रेस करना है। एक बार बटन प्रेस करके साइड मार जाना, वो ऑटो खुद मेंटेन करेगा, खुद स्टार्ट हो जाएगा, खुद चौक देगा। अब हाँ, शट डाउन करने के लिए, बंद करने के लिए इसने बटन दिया, यहाँ से आपने बटन दिया। ठीक हो गया। प्राइस क्या मिल जानी है सर? ये 150 का है। 150 का है, 1,50,000 रुपए का। ठीक है। और ये जो 7 वाला है सर, ये वो लोग लेते हैं जिसको डेटे टंगे 2 इन्वर्टर चलाने, या एक एक एसी के साथ 2 फ्रिज चलाने हैं, या 10-12 पंखे चलाने हैं, 15-20 सेवर चलाने, 1 TV चलाना है। ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए होता है। सही। एक को 7,500 वॉट का जनरेटर है ये। सही। एक को KVA में 10 KVA कहते हैं। सही। 10 KVA के लाता है ये।
प्राइस क्या मिल रही है इसकी? सर ये पड़ेगा 378 का। 378 हाँ, ये कंपनी रेट होती। ठीक जी। अब जैसे बिलाल भाई आप ये देख रहे हैं, ये डाइवो का वाटर पंप है 2 इंच का। अरे वाह, ये डीप वाटरिंग के काम में आता है। ठीक है। आपने जैसे बहुत से लोग बारिशों के इस्तेमाल में भी लेते हैं, पानी को ट्रांसफर करने के काम में आता है। आपको कहीं पर भी जो भी ट्रांसफर करना हो, ये डायवो का एक दाना हमारे पास होता है 2x2 का, ये भी मिल जाएंगे। ठीक हो गया। क्वांटिटी में मिल जाएंगे एक दाने से मुराद इसका 3 इंच 4 इंच पूरी रेंज नहीं आती इसमें। ठीक है। ये खाली एक ही मॉडल बनाता है, वो है 2 इंच का। सही। ठीक है। प्राइस क्या मिल रही है सर? ये 55,000 रूपए का। 55,000 जी। रिजवान भाई जैसे आप फिलहाल भाई आपने डायवो को भी देखा ना, डायवो भी कोरियन है, तो कोरियन एक और ब्रांड है मेरे पास बड़ा फेमस, वो है हुंडई। अरे वाह। हाई हुंडई का जो जनरेटर, इसके पुली इंजन भी आते हैं, वाटर पंप भी आते हैं, प्लस जनरेटर भी आते हैं। सही। ठीक है। और जनरेटर की भी पूरी रेंज है मेरे पास। अच्छा, कंप्लीट रेंज इसकी भी मिल जाएगी। पेट्रोल की पूरी रेंज होती है हमारे पास। अब जैसे आप ये जनरेटर देख रहे, ये 2 किलोवाट 2.5 KVA का, 2000 से 2200 वाट का जनरेटर है ये। ठीक है। ये पुश स्टार्ट होता है, VFT मीटर इसमें मौजूद है, 2 सॉकेट इसमें मौजूद होते हैं, ब्रेकर सिस्टम होता है, 1 साल इसकी भी इंजन पार्ट की गारंटी है और 2 साल सर्विस वारंटी है। बड़ी बैटरी, गैस के टायर, तमाम चीजें साथ पड़ती हैं और प्लस 210 cc का इंजन होता है इसके तमाम छोटे जनरेटरों में। अरे वाह। वरना 2 के अंदर जो होता है 163 का इंजन होता है। ठीक है। 163 का ये इसने सब में लगाया हुआ 210 cc का इंजन, इसकी इंजन की ताकत ज्यादा है। ठीक है। अब जैसे आप एक फ्रिज के साथ 5 पंखे 10 सेवर 1 TV ऑन गैस चला सकते हैं। अच्छा। तो इसमें इंजन बड़ा है। सही। जाहिर है इंजन भरा है, इसलिए आप लोड भी ज्यादा इसको चला लोड दे, क्योंकि ताकत में जाता है ना। सही। ये 196 cc नहीं है, 210 cc का इंजन है। ठीक हो गया। ताकत ज्यादा है इसकी। प्राइसेस क्या मिल रही है फिलहाल भाई? अब ये स्टार्टिंग जनरेटर है इसका, समझे छोटा, ये पड़ता है आपको 140 का पड़ता है। 1,40,000 रूपए में तमाम चीजों के साथ। अच्छा, जो प्राइसेस हम बता रहे हैं वो बैटरी समेत बता रहे हैं? जी जी जी, जिसमें बैटरी साथ होगी। सही। गैस किट साथ होगी, ऑयल साथ होगा। सही। कंप्लीट रेडी टू यूज होगा, खाली आप घर ले जाएंगे, पेट्रोल डाले और की स्टार्ट करें। बैटरी कौन सी होगी? कस्टमर की चॉइस की होगी, आप कोई भी लगा सकते हैं। जो हमारे पास अवेलेबल होती है ये बड़ी बैटरियाँ। सही। वरना हमारे आपने देखा होगा कस्टमर को यहाँ छोटी सी बैटरी लगा के। सही कह रहे हैं, छोटी सी लगी हुई होती है। ठीक है। हम वो चीज नहीं देते, हम बड़ी बैटरी देंगे 5 प्लेटों वाली, इसकी जिंदगी उनकी निस्बत 5 गुना ज्यादा होती है। अच्छा। सही। वो ड्राई बैटरी की निस्बत इनकी जिंदगी 5 गुना ज्यादा होती है। बैटरीज भी क्वालिटी वाइज अच्छी आप अटैच करके देंगे, तकरीबन ऐसा ही होता है। सही। नेक्स्ट चलते हैं। अब जैसे आपने वो 2 किलोवाट का देखा, ये 2.5 किलोवाट है, 2500 से 2800 वाट का जनरेटर है। अब उसमें एक फ्रिज के साथ जैसे 5 पंखे चल रहे हैं ना, इसमें आप एक फ्रिज के साथ 10 पंखे चला रहे। अच्छा। एक फ्रिज के साथ 10 पंखे 10 सेवर 1 TV चला देगा। बेहतरीन बेहतरीन, इसमें ये फायदा होता है। ठीक है। प्राइस क्या है इसकी? सर इतना लंबा चौड़ा नहीं है उसमें, और इसमें 10,000 का फर्क है, ये 150 का है। सही। ठीक है। अब इसके बाद एक और मॉडल आता है जो 3 किलोवाट 3.5 KVA होता है, 2700 से 3000 वाट का। ठीक है। ये 1 टन का AC भी चला सकता है, 2 फ्रिज भी साथ में चलाएगा, ये इतना बड़ा है। ये इसमें जैसे 1.50 है और 10,000 के फर्क से ये 1.60 का है। ठीक है। ठीक। और सेम वारंटी गारंटी, सेम तमाम चीजें, बैटरी, गैस की टाइल, 1 साल इंजन पार्ट, 2 साल सर्विस, ये आ जाता है। ठीक है। अब जैसे आपने 1 टन के AC वाला देखा ना, एक आप ही के बैग पे लगा हुआ ये जनरेटर 5 किलोवाट का। ठीक है। इसका फ्रंट बिलाल भाई यहाँ लगा हुआ है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका परंट आ गया बिलाल भाई। ये भी 5 किलोवाट का जनरेटर है, जिसको KVA में 6.5 कहते हैं। ठीक है। हाँ, ये 1.5 टन का सादा स्प्लिट भी चलाने की ताकत रखता है। अच्छा, सादा स्प्लिट भी इस पे चल जाएगा। हाँ, वो भी 1.5 टन का। और उसके साथ भी आप 10 पंखे चलाएं, 10 सेवर चलाएं, 1 TV चलाएं, कंप्यूटर चलाएं। बेहतरीन, अच्छा खासा लोड आप इस पे तसल्ली से चला सकते हैं। हाँ, ये प्राइस क्या मिल रही है सर? ये पड़ेगा बिलाल भाई 3,05,000 रूपए का। ठीक है। 3,05,000 में बैटरी साथ होगी, गैसकेट साथ होगा, ऑयल साथ होगा, रेडी टू यूज मिलेगा आपको। ठीक है। अच्छा रिजवान भाई, माशाल्लाह वैरायटी तो हमने दिखाई काफी अच्छी और बहुत बेहतरीन रेंज आपके पास पड़ी हुई है। ये गाइड करें, कोई यहाँ फिजिकली विजिट करना चाहे तो एड्रेस बताएं, और ऑनलाइन का परचेजिंग का क्या तरीका जी, जी, बिलाल भाई जरूर, जो कस्टमर हमारा आना चाहता है कराची में, बहुत मशहूर जगह है हबीब बैंक प्लाजा। ठीक है। यहाँ बोल्टन मार्केट हो गई, यहाँ मेरे फ्रंट साइड पर है हबीब बैंक प्लाजा। हबीब बैंक प्लाजा के बैक साइड पर है शाराई लियाकत वाला रोड,
बहुत मशहूर रोड है, यहाँ से W11 भी वापसी जाती है। सिंध मदरसतुल इस्लाम कॉलेज है, यहाँ कॉलेज के बिल्कुल अपोजिट हम बैठे हुए, जावेद एंड संस के नाम से दुकान है हमारी। ठीक है, जावेद एंड संस। ठीक है, किसी को कोई जनरेटर आपसे मंगवाने हो तो ऑनलाइन परचेजिंग क्या के लिए भी ऑप्शन है, आप ऑनलाइन के लिए एक नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मोबाइल नंबर मैं बता रहा हूँ 0300-922-4290। ठीक हो गया, सेम नंबर ये वारिद में भी है 0321-922-4290। बाकी का स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, अगर कोई नंबर नहीं समझ में आए तो स्क्रीन में आप देख लीजिए। ठीक है, वेबसाइट भी होती है आप लोग? हाँ, हमारी वेबसाइट है, आप handit.com.pk पे जा सकते हैं, आप दराज पे जा सकते हैं, आप भी बहुत सारे हैं, टिकटॉक बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आप लोग के पास सोलर पैनल्स वगैरह भी होते हैं, उसके लिए हम कभी कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम इसके लिए आपसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया आपका कीमती टाइम देने का। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।